हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन स्टडिंग हार्ड, स्पेशली विद माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज संजीव गोस्वामी। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक लेसन ऑफ योर प्रोज बुक ऑफ योर सिलेबस विमेंस एडुकेशन। एंड द ऑथर ऑफ द लेसन इज वन ऑफ द finest you know scholars our country have ever produced, Mr. S. Radhakrishnan, हमारे देश के एक बहुत ही महान विद्वान, विचारक, दार्शनिक, भूतपूर्व राष्ट्रपति। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो शायद हम सबको पता है, इनका जो बर्थडे है 5th September, उस दिन हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो हम सब शिक्षकों के लिए भी बहुत ही आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और ये सबसे बड़े शिक्षक हैं। आज इनका ही लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ स्टैंजाज, कुछ पैराग्राफ्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं। इसके लिए आपको बुक की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ उसे अपने साथ रखिएगा। एक नए तरह से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ। प्लीज़, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वेमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहली लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइटर कहना चाह रहा है कि हम इस जिस दौर में जी रहे हैं, जिस एज में रह रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश की औरतों के लिए, नारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अवसर हैं, चाहे वो सोशल वर्क में हो, समाज सेवा में हो, पब्लिक लाइफ में हो, दैनिक जीवन में हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या प्रशासन में हो। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 30-40-50 सालों में, हालांकि लेसन जब लिखा गया ये 1960s के दौर का है, तब ऐसा माना गया था अकॉर्डिंग टू द ऑथर कि औरतों के लिए हर फील्ड में बहुत ही स्पेस है, स्कोप है, जगह है। इन 50 सालों में मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि औरतों ने ना कि उस स्पेस को सिर्फ फिल किया है, बल्कि उसे ऑक्यूपाई किया है। उसे सिर्फ भरा नहीं है, पूरी तरह से उस पर अधिकार जमाया है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े पद पर, भारत में ही नहीं, पूरे संसार में औरतों ने अपना राज लगातार कायम किया है। चाहे वो किसी फील्ड में जाके देखें, एजुकेशन में देखेंगे, पिछले 25-30 सालों में औरतें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। आज हमें बेस्ट टीचर्स लेडीज़ मिलती हैं, हम खुद स्टूडेंट रहे हैं ऐसे टीचर्स के, ग्रेट टीचर्स के। मेडिकल लाइन में देखिए, यू कुड फाइंड सम बेस्ट डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, यू नो। फिर और फील्ड्स में देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, IAS, IPS, यू नो, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे औरतों ने, नारियों ने अपना अधिकार जमाया है और बहुत अच्छे से काम किया है। फिर प्रशासन के और बढ़े तो शासन में देखेंगे, एज ए CM देखें, हमने भारत की बहुत महान, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हमने देखा, श्रीमती इंदिरा जी को देखा, उनके काम को देखा, सराहा, आज तक उनको सम्मान दिया जाता है। तो भारत में ही नहीं, सारे संसार में नारियों ने, स्त्रियों ने, विमेन ने जहाँ जहाँ उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और कई मामलों में तो शायद हम सबसे, मर्दों से बेहतर काम किया है और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी रिक्वायर्स वेमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स। समाज को किस तरह की औरतों की ज़रूरत है? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ औरतों की बात नहीं हो रही है, हम सब की बात हो रही है। पहला तो डिसिप्लिन माइंड्स। विदाउट डिसिप्लिन नो वर्क कुड बी कम्प्लीटेड प्रॉपरली। अगर किसी कार्य में अनुशासन नहीं है तो वो काम सही से नहीं हो सकता, चाहे फिर वो औरतों के द्वारा किया गया काम हो, या मर्दों के द्वारा, या हम में से किसी के द्वारा भी। दूसरा है रेस्ट्रेंट मैनर्स। उनके जो मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, शिष्टाचार हैं, बहुत ही संयमित होने चाहिए, ये हम सब के लिए है। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। ये लाइन भी हम सब के लिए है, यूनिवर्सल थॉट है। हम चाहे किसी फील्ड में जाएं, चाहे किसी भी कार्य को करें, हमें उस काम के पीछे 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो लगानी होगी। पहला है ऑनेस्ट अप्रोच। अगर हमारे किसी काम में ईमानदारी नहीं है,
डिसिप्लिन माइंड, हमारा मस्तिष्क उस काम के प्रति अनुशासित नहीं है, यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर लाइफ, तो हम सफलता नहीं पा सकेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने कार्य का आनंद ले सकेंगे। हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम कोई काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उस काम में हमारे डिसिप्लिन नहीं है, एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, एक ऑनेस्ट एप्लीकेशन नहीं है, तो उस काम का हम आनंद नहीं ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई खिलाड़ी जब वो ग्राउंड में खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन अगर वो खुद उस खेल का मज़ा नहीं ले रहा होगा तो शायद उस खेल को उस ऊंचाई पर नहीं ले जा सकेगा। दूसरी ओर एक हम ऐसा कह सकते हैं, कोई परफॉर्मर है, बहुत अच्छा सिंगर है, वो गाना गा रहा है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो जब उस सॉन्ग में इतना डूब चुका होता है कि वो खुद इंजॉय करने लगता है। जब तक वो खुद इंजॉय नहीं करेगा अपनी परफॉर्मेंस को, तब तक वो इंजॉयमेंट पीक पर नहीं पहुंचेगा, वो परफॉर्मेंस लोगों के दिल तक नहीं पहुंचेगा, चाहे बेस्ट डांसर ही क्यों ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एंजॉय आवर वर्क, सबसे पहले हमें अपने कार्य का आनंद लेना चाहिए। जैसे ही हम अपने कार्य का आनंद लेने लगेंगे, लोगों को उसमें सफलता दिखनी शुरू हो जाएगी, हमें उस काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी।